नमस्कार फ्रेंड जी, श्री श्याम। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। एक्चुअली मैंने एक और न्यू ब्लॉग लेके आ रही हूँ। मैं ये थोड़ा सा भागवत से रिलेटेड है और यहाँ पे हमारे यहाँ भागवत हो रही है तो बट मैं दो तीन दिन ही फ्रेंड जा पाई। मैं डेली तो नहीं जा पाई और थोड़ी छोटी सी मैंने क्लिप बनाई है, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा कि भागवत में बाकी में बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो बहुत चीज़ें मिस कर दी, बस आप देखिएगा। थोड़ी थोड़ी क्लिप है तो इसमें गोवर्धन जी की पूजा, जो गिरिराज जी हैं उनकी पूजा हुई है, पूजा दिखाई है, और कृष्ण जी का जन्म उत्सव दिखाया है, और रुक्मणी जी कान्हा जी की शादी दिखाई है। तो फ्रेंड देखिएगा, आप भी इंजॉय करिएगा और बताइएगा कि किस तरह से कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग। फ्रेंड वापस शुरू होने से पहले ना कलश यात्रा निकलती है, तो ये सब कुछ लेडीज ने कलश यात्रा निकाली, जिसमें इन्होंने कलश में जल भरा हुआ था। तो फ्रेंड सब जो एक हॉल ले रखा था वहाँ पर इन्होंने कलश सारे इकट्ठे करे, वहाँ रख दिए। और यहाँ पर जो ये मंच सा बना हुआ है फ्रेंड, तो यहाँ पे कथावाचक जो होते हैं वो बैठेंगे। और फ्रेंड थोड़ी दूर पे ही ठीक हम लोगों ने सब ने प्रसाद ग्रहण किया और उसमें पूरी सब्जी थी। रूप भी प्रभु ने रखा था, बावन अवतार जो भिक्षामी करते हुए सब फ्रेंड्स सब बैठे हुए थे, उनके पास जा रहे थे। प्रसाद का भी मतलब डेली प्रसाद भी रखा जाता था वहाँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, टॉफ़ी बिस्किट और बहुत सारी कई तरह की टॉफियाँ थी। ये केले का प्रसाद है और फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये है खीर का प्रसाद जो बहुत ही टेस्टी था। जी की मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये। और छप्पन देखिए, छप्पन भोग का प्रसाद रखा हुआ है जो बाकी सब हम लोगों में वितरण कर दिया गया था फ्रेंड्स। ये देखिए, क्योंकि पर्ची बनी थी सब लोग अपने घर से लेके आए थे। फ्रेंड्स आरती वगैरह हो रही है, सब आरती कर रहे हैं।
एक्चुअली बनाई थी, कैसी लगी आपको। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में लिख लीजिएगा और शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे में छोटे मोटे थोड़े बहुत ब्लॉग लाती रहा करूँगी फ्रेंड्स। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं लगा हो तो प्लीज़ तब भी कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री श्याम।